एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुनीसा फाउंडेशन वर्सेस मार्ट्स कुशन फाउंडेशन। सो इन दोनों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और इन दोनों को मैं आपको रिव्यू दिखाने वाली हूँ, यूज करके दिखाने वाली हूँ कि ये कौन सा इन दोनों में बेटर है और कौन सा आपको बाय करना चाहिए। भाई जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे जितने भी मैं वीडियोज डालती हूँ वो सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले हम डिटेल से जान लेते हैं कि कौन सा क्या इसके अंदर क्या किस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये किस तरह की पैकेजिंग में आता है। सुनीसा फाउंडेशन के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे जो है मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी आपको। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा बॉक्स आता है और ये बहुत ही छोटा सा बॉक्स है। सो इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है। मार्स कुशन फाउंडेशन है ये, इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम लिखा हुआ है। तो ये फाउंडेशन है और ये सीसी क्रीम है। सो गाइस हम इसको अंदर से देख लेते हैं ये किस तरह की पैकेजिंग होती है। सो इसका तो आपको पता ही होगा, इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आती है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये आपको सबको पता होगा। और इसका जो पाउच है ये कुछ इस तरह का आता है और ये मैं आपको मार्स की दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं तो मार्स की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट ये लग रहा है और इसका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो कुछ इस तरह की एक छोटी सी पोटली टाइप है उसके अंदर आता है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इस वजह से ये इतना गंदा हो गया है। इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट सुनीसा फाउंडेशन का ये है कि ये इस केस में आता है, ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है आपका, और मार्स का जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो इस पैकेट में आता है। सो गाइस ये सुनीसा फाउंडेशन है और ये मार्स फाउंडेशन है। तो आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग कितनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैकेजिंग बनाई हुई है और इसकी थोड़ी सी आपको ग्लास में मिल जाएगी पैकेजिंग। और ये जो है बिल्कुल मैट, एकदम बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा इसकी पैकेजिंग दी हुई है। स्क्वायर शेप में है इसकी पैकेजिंग और इसकी पैकेजिंग आपको राउंड शेप में मिल जाएगी। मैं आपको इस मार्क का ओपन करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको सुनीसा फाउंडेशन का दिखाया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे जो है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है इसको ये इस तरह से कुछ ओपन होता है और इसमें आपको मिरर नहीं मिलता है। सुनीसा फाउंडेशन के जो सुनीसा जो है उसमें आपको मिरर मिल जाता है, इसमें आपको बस माइनस पॉइंट किया है, इसमें आपको मिरर नहीं मिलता है। बट इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, प्लस 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 पॉइंट सबसे अच्छा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो में कमेंट्स आए कि सुनीसा फाउंडेशन में शेड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। सो गाइस सुनीसा फाउंडेशन में जो है शेड्स अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही शेड आता है और मार्स फाउंडेशन में 3 शेड्स आते हैं। सो गाइस सबसे अच्छा मुझे जो प्लस पॉइंट लगा है वो मुझे मार्स फाउंडेशन का ये लगा है। वो जो मैंने बाय किया था वो मुझे एक ही शेड में मिला था, मैंने लिया इसको, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसमें देख सकते हैं आप इसमें मिरर आपको मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको इन दोनों का दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरह से आता है। इसमें जो है आपको इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है और ये मैंने ओपन कर लिया था गाइस। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह का ये पैकेजिंग मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इसकी पैकेजिंग मिल रही है, मुझे कुछ इसी तरह से रिसीव हुआ है ये। और इसमें क्या है, आपको ये एक प्लेट मिलती है, उसको आपको ओपन करना होता है और उसके बाद आपको ये, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फर्क है। ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा लाइट शेड है और ये वाला मीडियम शेड है, क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर जो बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है गाइस बहुत बहुत ज़्यादा लाइट शेड है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आपको 3 शेड्स मिल रहे हैं। सबसे अच्छा माइनर प्लस पॉइंट आपको यही मिल रहा है कि मार्स के फाउंडेशन में आपको 3 शेड्स मिल रहा है, 01, 02 एंड 03। तो मेरा शेड आप देख सकते हैं कुछ ये वाला है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो शेड है वो 03 शेड है और 03 भी इसमें काफ़ी लाइट शेड है, इतना भी बहुत ज़्यादा डार्क शेड भी नहीं है। बट ये आप देख सकते हैं सेम बिल्कुल जिस तरह से हमारा सुनीसा फाउंडेशन है, सुनीसा फाउंडेशन में इस तरह से ये एक डिज़ाइन दिया हुआ है, इसी तरह से डॉट डॉट दिए हुए हैं, इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से डॉट डॉट दिए हुए हैं और ये भी आपको उसी तरह से यूज़ करना होता है जिस तरह से आप सुनीसा फाउंडेशन को यूज़ करते हैं।
सो गाइस यहाँ पे जो है मैं एक साइड अपने सुनीसा फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आया कब किया हुआ है आपने मेकअप के ऊपर अप्लाई किया है, बट अब मैं नहीं, मैंने कुछ भी प्राइमर भी नहीं अप्लाई करूंगी, विदाउट प्राइमर ही मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। तो एक साइड में यहाँ पर जो है मैं मार्स का फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, कुशन फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, और एक साइड में सुनीसा अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो है मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर था वो मैंने वेट कर लिया है, और वेट करने के बाद गाइस इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना सुनीसा फाउंडेशन का जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम अप्लाई करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये मार्स वाला फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, और ये इसी तरह से ये आप देख सकते हैं। तो मार्स में इस साइड अप्लाई करूँगी गाइज, इसमें जो 03 शेड है वो भी बहुत ज्यादा लाइट शेड है, 01 और 02 तो और भी ज्यादा लाइट शेड होगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से डॉट डॉट करके निकलता है इससे, सेम वही, लेकिन गाइज इसमें मुझे हल्की सी फ्रेग्रेंस लग रही है, बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है। सो यहाँ पर जो है मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ मार्स फाउंडेशन। पे जो है आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से शेयर कवरेज दे रहा है, और बहुत ही ज्यादा नेचुरल है ये मार्स फाउंडेशन जो है कुशन फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने मार्स का फाउंडेशन अप्लाई किया है, और अब मैं सुनीसा का फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। मुझे कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सेम लग रही है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम जिस तरह से ये अप्लाई हो रहा था उसी तरह से सेम ये अप्लाई हो रहा है। तो गाइस डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है, इसने जो है बहुत ही ज्यादा लाइट कवरेज और बहुत ही ज्यादा नेचुरल मेरा ये फेस कर दिया है, और सुनीसा फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट शेड है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाइट शेड है। तो थोड़ा सा मैं और अप्लाई करके देख लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने मार्स का फाउंडेशन लिया है दोबारा से, ये मैं 2 कोट लगा चुकी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ये कवरेज दे रहा है मुझे। और यहाँ पर मैंने 1 कोट लगाया है सुनीसा का, और ये लगाया है मैंने मार्स का। सो गाइस आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं लग रहा है, बिल्कुल सेम मुझे स्किन दोनों की कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल सेम लग रही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा शेड अगर आप चाहते हैं कि सुनीसा फाउंडेशन आप लेते हैं और उसमें आपको शेड बहुत ज़्यादा लाइट मिल रहा है तो आप बाय मत कीजिए, अगर आप थोड़े से डार्कर शेडर वाले हैं तो आप मार्स को भी बाय कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये है इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं और सुनीसा में आपको शेड नहीं मिलते हैं, सो गाइस उसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और हाँ गाइस अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर बेकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्पैक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर आप ये ड्राई स्किन वालों के लिए लेना चाहते हैं तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और आप देख सकते हैं इसने मेरी स्किन को कितना ज़्यादा शेयर कवरेज दे रहा है, और बिल्कुल भी ये पैची नहीं है कि आप स्किन पे लगाएंगे और ये आपकी स्किन पे पैची हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो गाइस ये आप देख सकते हो, इसका प्राइस जो है इसका प्राइस 299 रुपीज़ है, और इसका प्राइस 350 के समथिंग 350 के आसपास आपको मिल जाएगा सुनीसा फाउंडेशन का प्राइस, और इसका प्राइस 299 रुपीज़ है, तो ये सुनीसा से भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छा कोई कुशन फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं सुनीसा फाउंडेशन के अलावा, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं सुनीसा फाउंडेशन के जैसा ही ये है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं लगा है, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप मार्स फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आप मार्स फाउंडेशन अगर बाय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।